अक्षय कुमार की फिल्म सूर्यवंशी ने अक्षय कुमार की ही दूसरी फिल्म बेल बॉटम को मुश्किल में डाल दिया है। कैसे डाल दिया है उसके बारे में मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ, लेकिन सबसे पहले आपको मेरे वीडियो को लाइक करना पड़ेगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह की सभी खबरें मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा था कि सूर्यवंशी ने कैसे बेल बॉटम को मुश्किल में डाल दिया है। तो जैसे कि आप सबको पता है कि बेल बॉटम फिल्म है, उसकी रिलीज डेट पहले से ही तय की गई थी, वो रिलीज डेट थी 28 मई। लेकिन हाल ही में 2 या 3 दिन पहले सूर्यवंशी की रिलीज डेट अनाउंस हुई है और सूर्यवंशी की रिलीज डेट है 30 अप्रैल। तो अभी बेल बॉटम के मेकर्स का ये मानना है कि सूर्यवंशी और बेल बॉटम के बीच का जो गैप है वो काफ़ी कम है, तो उससे कहीं ना कहीं बेल बॉटम को थोड़ा सा नुकसान हो सकता है, ऐसा बेल बॉटम के मेकर्स को मानना है। तो अभी बॉलीवुड लाइफ की रिपोर्ट के मुताबिक बेल बॉटम के मेकर ये चाह रहे हैं कि बेल बॉटम को पोस्टपोन किया जाए, बेल बॉटम को जो 28 मई रिलीज डेट है उससे कोई दूसरी रिलीज डेट तय की जाए। लेकिन अभी समस्या ये है कि इस साल का पूरा का पूरा कैलेंडर बुक हो चुका है, यानी कि हर बड़ी फिल्म ने अपनी अपनी रिलीज डेट किसी भी महीने में डाल के रखी है। तो अभी बेल बॉटम के जो मेकर्स हैं वो थोड़े मुश्किल में हैं। तो क्या आगे होता है वो तो हमें वक्त ही बताएगा कि मेकर्स फिल्म को पोस्टपोन करेंगे या जो तारीख तय की गई थी उसी तारीख को बेल बॉटम रिलीज होगी। अब मामला जो भी होगा वो हमें वक्त पे ही पता चलेगा, लेकिन मेरे पास ये रिपोर्ट आई थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। अगर बेल बॉटम पोस्टपोन होती है तो उसके बारे में मैं आपको वीडियो बना के इन्फॉर्म कर दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। धन्यवाद।